ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विशेषज्ञ निरंतर तीसरी लहर की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, ऐसे में प्रदेश की अधिकाधिक आबादी का जल्द से जल्द टीकाकरण जरूरी है, क्योंकि दोनों डोज लगने पर ही संक्रमण से पूरी सुरक्षा मिलती है। सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के अधिकारी केंद्र सरकार से समन्वय कर वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने की मांग पुरजोर तरीके से रखे, ताकि लोगों को समय पर वैक्सीन दी जा सके। मंगलवार को सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान कोविड वैक्सीनेशन का बेहतरीन प्रबंध कर रहा है, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप वैक्सीन की आपूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को दूसरी डोज लगाने में देरी हो रही है। बड़ी संख्या में लोगों को दूसरी डोज लगाने का निर्धारित समय हो जाने की स्थिति में केंद्र सरकार से इसके लिए वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बताया कि राजस्थान के वैक्सीनेशन प्रबंध को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहा है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान उन अग्रणी प्रदेशों में शामिल है जहां वैक्सीन का सबसे कम वेस्टेज हुआ है, यह प्रदेश के लिए गर्व की बात है। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारे चिकित्सा कर्मियों ने पूरी दक्षता के साथ वैक्सीनेशन किया है। उन्होंने जहां भी संभव हुआ वैक्सीन की एक वायल से 10 के अतिरिक्त मिलने वाली 11वीं डोज का भी उपयोग किया, जिससे राजस्थान में वैक्सीन की आपूर्ति के अनुपात में 1.8% अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। जिस तरह दूसरी लहर अचानक आई और देश भर में हाहाकार मच गया, उसी तरह तीसरी लहर भी कभी भी आ सकती है। राज्य सरकार ने सामाजिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों में छूट का दायरा बढ़ाया है और हम चाहते हैं कि स्थितियां सामान्य हो, लेकिन लोग कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना नहीं करेंगे तो संक्रमण फिर से बढ़ सकता है। सीएम गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि आगामी महीनों में धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जाए, ताकि कोविड संक्रमण के प्रचार से बचा जा सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि विभाग तीसरी लहर की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए पुख्ता तैयारी सुनिश्चित कर रहा है। असंक्रामक रोगों के लिए भी डोर टू डोर सर्वे प्रारंभ किया गया है। इसमें मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम तथा कोविड संक्रमण की स्थिति का आकलन संभव हो सकेगा। वहीं प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा अखिल अरोड़ा ने बताया कि प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर के दौरान हुई मौतों की ऑडिट करवाई जा रही है। इस कार्य में NGO एवं सिविल सोसाइटी को भी शामिल किया जा रहा है, ताकि कोविड से मौतों के आंकड़ों को लेकर किसी तरह का असमंजस न रहे और परिजनों को खोने वाले सभी पात्र परिवारों को राज्य सरकार के राहत पैकेज का लाभ मिल सके। शासन सचिव चिकित्सा सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राजस्थान में कोविड से रिकवरी दर 99% पर पहुंच गई है और वर्तमान में कुल एक्टिव केस 613 है। प्रदेश में अब तक वैक्सीन की 2.67 करोड़ डोज लगाई गई है। इनमें से 2.18 करोड़ लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 48.87 लाख लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में प्रदेश में करीब 64 लाख लोगों को दूसरी डोज लगाई जानी है, लेकिन जुलाई के पहले पखवाड़े में पहली और दूसरी डोज के लिए केवल 65,20,000 डोज ही आवंटित की गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।